खरीद किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 4 चरणों में हुए मतदान से प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। उन्होंने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटों के साथ 4 चरणों में हुए मतदान से प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया। 5वें, 6ठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की जनता को इस पर बहुत बड़ी इमारत को बनाने का काम करना है। इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड चंबल में तमंचा, कट्टे, छर्रे की गोलियां बनती थी, अब वहां तोप के गोले बनाने के कारखाने बन रहे हैं। आज यहाँ बनने वाले गोलों और मिसाइलों से पाकिस्तान के दिल दहल गए हैं। लोकसभा का चुनाव था, भारत सिंह के प्रचार में आया था। उस वक्त हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज अगर कोई ला सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ला सकता है। मगर ये तो बलिया है, एक युवा खड़ा हो गया कि चुनाव लोकसभा का है, अब कहां से कानून का राज लाओगे। तो मैंने कहा था 14 जीतने का मतलब है 17 में भाजपा की सरकार बनना, और आप लोगों ने बना। 2017 में 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। भाजपा ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया और 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी। अरे फेफना वालों मुझे बताओ, अतीक अहमद कहाँ है भाई? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, पीछे से भी आवाज। अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? आजम खान कहाँ है? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार गलती से भी बना दी तो जेल में रहेंगे, जो रहेंगे। अरे जिन्होंने मोचन बम धमाके करके केस वापस, ये माफियाओं को जेल में नहीं रहने देंगे। गलती मत करना। पटेल ने गैसंडी विधायक शैलेश सिंह शैलू के पक्ष में जनता से वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 चरणों में हुए मतदान ने बता दिया है कि बीजेपी गठबंधन हीरो है, बाकी सब जीरो है। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन की दुकान पर बड़ा ताला लगना है, तभी मामला सही होगा। तो 5 चरणों की कहानी है, अभी 2 चरण बाकी है। जब दूसरे चरण का बटन दबेगा तो एनडीए गठबंधन हो जाएगा सुपर हीरो, और बाकी हो जाएंगे डबल हीरो। समझे कि नहीं? अरे सहमत हो कि नहीं हो? तो यहाँ से 3 तारीख को इनका कमल का निशान वाला बटन दबने जा रहा है ना? अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कतई नहीं ना, 1% भी नहीं ना, 0.5% भी नहीं ना। अब मुझे तो है ही नहीं, आपको ना हो ज्यादा जरूरी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा में निषाद पार्टी गठबंधन प्रत्याशी सुभाष पाशी के पक्ष में रोड शो किया और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन है तो हमारे प्रदेश में 326वीं सीट सैदपुर की होगी। उत्तर प्रदेश का इतिहास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में बनने जा रहा है। उनका कहना है कि 2017 से भी ज्यादा लहर है इस सरकार में, गुंडे और माफियाओं की लूट खत्म हो गई है। अब 2022 के बाद लोगों को फ्री स्कूटी और बिजली देंगे, इसके अलावा कई अन्य योजनाओं का लाभ भी देंगे। पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ, दमन के निशान के साथ है तो आपको हमको कहने में दिक्कत नहीं कि 326वां सीट हमारी सैदपुर की होगी। करीब 5 किलोमीटर जो
आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और जो भाग्य जगह है उसका स्मृत सुभाष पासी बढ़ाएंगे। जौनपुर पहुंचे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने बदलापुर विधानसभा में प्रत्याशी रमेश चंद्र मिश्रा के समर्थन में जनता को संबोधित किया। मनोज तिवारी ने अपने अंदाज में भगवा रंग चढ़ने लगा है, जैसे गीतों को गाकर लोगों से एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की तो जौनपुर के शीतला चौकिया पर गीत गाकर चुनावी सभा को भक्तिभाव में रंग दिया। मन से मनोज तिवारी अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए टोटी चोर बताया। वहीं मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि पांचवें चरण का मतदान चल रहा है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि 325 नहीं 326 भी हो सकता है। उन्होंने डिंपल यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग भगवा रंग को लोहे की जंग कह रहे हैं वो 20% से ज्यादा सोचने वाले नहीं हो सकते। देखिए मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि बदलापुर की जनता एक एक जन हर जाति हर वर्ग जो है मन बना चुकी है कि बदलापुर में कमल खिलाना है, 51,000 के ऊपर से जीत दिलाना है। तो मैं तो समझता हूँ कि तो सिर्फ सिंघरामऊ का कार्यक्रम था, अगर मैं कहूं तो मेरे एक मंडल का कार्यक्रम है, एक मंडल का। हमारे बदलापुर में 4 मंडल भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हिसाब से बनाए गए हैं जिसमें एक मंडल का यह कार्यक्रम है। कल हमारा महाराजगंज मंडल में एसपी सिंह बघेल जी का कार्यक्रम है, परसों हो सकता है पर 2 तारीख को योगी महाराज जी का कार्यक्रम है और एक केशव मौर्य जी का कार्यक्रम है डिप्टी सीएम साहब का। तो हम हर मंडल में एक सभा लगा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने दिल में बसाया है और हम जो देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर 325 का 326 भी हो जाए तो भैया तू लोग आश्चर्य मत करिए जा, कहे कि हम जो ने आँख से जोश देखा था नहीं ओकर कोनो शब्द में वर्णन नहीं सकत। देखिए जमीन भारतीय जनता पार्टी की है, बाकी सब लोग हवा में है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार मतलब अतीक और मुख्तार, बनारस में हर दिन सावन हर दिन सोमवार है, महादेव की गूंज है, मानपूर्णा का दरबार है, बीजेपी की सरकार है जहां बम बम बोले जय जयकार है, सपा सरकार मतलब अतीक और मुख्तार है जहां बम और गोले चीख और चित्कार है, इसलिए जन जन की पुकार है फिर इस बार योगी सरकार है। बनारस होकर आया हूं और बनारस में बाबा विश्वनाथ का अद्भुत धाम बनने के बाद बनारस की तस्वीर कैसे बदली है। अब बनारस में हर दिन सावन हर दिन सोमवार है, महादेव की गूंज है, मां अन्नपूर्णा का दरबार है, भाजपा की सरकार है, बम बम भोले जय जयकार है, और सपा की सरकार मतलब अतीक और मुख्तार है। सपा की सरकार में बम और गोले चीख और चित्कार है, इसीलिए जन जन में यह पुकार है फिर से योगी सरकार है। सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद मिश्रा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बसपा की सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील की, साथ ही सपा कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में सभी जातियों का उत्पीड़न जमकर किया गया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण कार्ड नहीं खेल रहे हैं, प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न ब्राह्मणों का हुआ। सतीश मिश्रा ने दावा किया कि सभी की परेशानी दूर करने के लिए बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। देखा किस तरह से 500 ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, 100 से ज्यादा एनकाउंटर हुए और वो सब तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में किया था, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगाए तो उन्होंने और ज्यादा उत्पात मचाने का काम किया, वो उनको उखाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और अब की बार उखाड़ फेंक करके सभी लोग, खाली यही नहीं किसान जो है वो इनसे परेशान है, महिलाएं इनसे दुखी हैं, ये सब लोग न्याय चाहते हैं, बेरोजगार परेशान है और ये सब अपनी समस्याओं को दूर कराने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायती जी की बना करके और फिर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भाईचारे के साथ में, और जो अल्पसंख्यक समाज है वो तरफा वोट क्यों डाल रहा है बहुजन समाज पार्टी, इसीलिए डाल रहा है। प्रतापगढ़ के कुंडा में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर हुए हमले को लेकर सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की। नरेश उत्तम पटेल और राजेंद्र चौधरी ने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत देकर जनता जनसत्ता दल के समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। बता दें कि सपा प्रत्याशी गुलशन यादव बूथ का जायजा लेने के लिए गए थे, उसी समय उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है। मामला कुंडा विधानसभा के पहाड़पुर का बताया जा रहा है। जनपद प्रतापगढ़ के विधानसभा क्षेत्र कुंडा में जनसत्ता दल
कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव के ऊपर हमला किया गया और बहुत से बूथों पर जनसत्ता दल के लोग दबंग किस्म के लोग हैं, वो लोग बूथों पर कब्जा किए हुए हैं। इस बात की चिंता करके हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, हम और हमारे चौधरी साहब मुख्य प्रवक्ता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, दोनों लोग अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ये शिकायत दर्ज कराई है कि वहाँ पर जो बूथों में कब्जा हो रहा है वो कब्जा हटाया, बूथों में कब्जा हुआ वहाँ दोबारा चुनाव कराया जाए। गोंडा से बीजेपी प्रत्याशी और विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के सिर पर फिर से ताज सजेगा। पिछले 5 साल में जो हमने उम्दा प्रदर्शन अच्छे और बुरे समय में किया है, लोग इससे बड़े संतुष्ट हैं और लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। मतलब हमने कोरोना को हराया है, पिछली सरकार में दंगाइयों को हराया है, बेईमानों को हराया है, चोरों को हराया है और आज इनको हरा कर इस विजय का तिलक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग, ये विजय का तिलक है जिसके हाथ में भाजपा के लोग को लग रहा है, ये विजय का तिलक है जो योगी जी के माथे पे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने काम बेहतरीन किया है। वो इतिहास रचाएंगे, वो दोबारा सीएम होंगे और लोग देखेंगे और अन्य प्रांतों में भी हमारा ये मैसेज जाएगा कि किस तरह गुड गवर्नेंस से हम वाकई में पब्लिक में डिफरेंस ला सकते हैं। आज लोकतंत्र कितना विश्वास कर रहा है, आज हम लोग देखते हैं कि गोंडा में, अयोध्या में और जिले के कई शहर में पाकिस्तान जिन्हें लगे कि इसमें लोकतंत्र आहत हुआ है। बिजनौर के नहटौर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी के चुनाव में मौजूदा सरकार को अब की बार भारी नुकसान होगा, किसी तरह की कोई बेईमानी ना हो इसके लिए कार्यकर्ताओं को नजर बनाकर रखने की जरूरत है क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है। एमएसपी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अभी तक कानून बनाने के प्रति संवेदनशील नहीं है, इसलिए किसान शीघ्र ही इस पर विचार करेंगे, अगली रणनीति बनाकर एमएसपी के खिलाफ किसान फैसला लेगा। यहाँ पे आए आज देखने किसानों की क्या समस्या है, यहाँ पे कावड़ यात्रा बहुत चल रही, इनकी क्या दिक्कत इनको हो रही कुछ नहीं हो रही, तो ये है कि सब शांतिपूर्ण तरीके से चले हुए हैं सबको, और सभी लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें और जो भी सेवा पड़ती है वो दुकानदार है, गांव के लोग है, इनका वो करते रहे क्योंकि ठंड का भी मौसम है। मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राजनीति क्या इलेक्शन हो गया, तो जगह का रहेगा, निपट जाएगा केस। तो ये रायबरेली में मतदान स्थल से पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा। बताया जा रहा है कि नाबालिग मतदान करने आया था, मतदान स्थल पर लाइन में लगे नाबालिग को एडिशनल एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने पकड़ा और पूछताछ के बाद उसको हिरासत में लिया गया। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के बालिका इंटर कॉलेज का है। मेडिकल छात्रा साक्षी सिकरवार की यूक्रेन से सकुशल आगरा वापसी हुई है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के उजक्रोत में रहकर साक्षी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। पीएम की कोशिश के बाद साक्षी की वतन वापसी हुई है, जिसके बाद साक्षी के परिजनों में खुशी की लहर है। वहीं साक्षी ने यूक्रेन के हालात बयां किए हैं, साथ ही साक्षी के परिवार ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। बता दें कि साक्षी आगरा एम्बुलेंस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कृष्णवीर की बेटी हैं। आगरा पहुँचने पर साक्षी का जोरदार स्वागत किया गया। यूक्रेन पर रूस के सैन्य हमले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच संकट और भी गहरा हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने अब तूल पकड़ लिया है। यूक्रेन में भारत के भी लोग फंसे हैं, जिनको भारत सरकार की तरफ से वतन वापसी की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में मुरादाबाद में भी कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है, जहां पर यूक्रेन से फंसे लोगों की कॉल आ रही है और उनके हालचाल जाने जा रहे हैं और लगातार उनसे वार्तालाप कर उनको सकुशल भारत बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ वापस लाने की तैयारी की जा रही है। संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि हमारी जानकारी के अनुसार 11 लोग मुरादाबाद के यूक्रेन में फंसे हैं। इन 11 लोगों में से आज सुबह मैंने और एडीएम ने वार्तालाप की, एक व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पाया। उन लोगों को लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। देखिए कुल 11 लोग यहाँ के वहाँ पर फंसे हुए हैं अभी तक जो हम लोगों की जानकारी है, मे बी अभी कुछ ऐसे लोग और भी हों जो हमारे संज्ञान नहीं है। और उन 11 लोगों में से आज 10 लोगों से प्रातःकाल मैंने और एडीएम फाइनेंस साहब ने स्वतः हर एक से बात किया, एक व्यक्ति का फ़ोन हम लोगों को नहीं मिल पाया है, अभी उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए।
और जैसे हम लोगों के वो उन लोगों को पूरी जानकारी दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर राहत आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे अभियान को संचालन कर रही है। ऐसे ही जनपद स्तर पर एडीएम फाइनेंस इसके नोडल ऑफिसर्स हैं और उन सभी परिवारों के हम लोग कॉन्टैक्ट में हैं और उन लोगों को लाने के लिए भारत सरकार के स्तर से व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज में हुए विस्फोटक धमाके में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साइकिल के हैंडल में विस्फोटक पदार्थ टंगा रखा था, वहीं दूसरा घायल युवक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला करेली इलाके का बताया जा रहा है। बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। साथ ही कई राउंड फायरिंग भी की गई। इस दौरान होटल मालिक दानिश के भाई को गोली लग गई, साथ ही कई अन्य लोग भी घायल हो गए। वहीं एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर मारपीट कर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का आरोप लगाया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि होटल संचालक से कोरमा बनाने की मांग की गई थी और मना करने पर बवाल हो गया। मामला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के पल्लेदार मोहल्ले के पास का है। पुलिस ने गोश्त बंद कर रखा था सर। सर गद्दी वाले में से दो लड़के आए, हमसे बोले कोरमा दे दो। नहीं सर कोरमा तो नहीं है भैया, मटर पनीर है या कड़ी पकौड़ा। मुझसे बोले कोरमा दे दो, रोटी दे दो। मैं बोला भैया अभी दो जने खड़े, इनके बाद में आप ले लेना। मुझसे वो जानता नहीं है, मैं गद्दी वाले से हूँ, अनस वकील का अनीस वकील का लड़का हूँ, तुझे जानता ना। मैं भैया गाली क्यों बकरा, तू अनीस वकील का लड़का, तो भैया दो मिनट रुक जा। छोटा वाला भाई आया, उसने इसको कह दिया भैया तू जा यहाँ से, नीचे उतार दिया। उनने सफाई करी और बोला अभी दो मिनट में गोली मार के जाएंगे तेरे, 10 मिनट में अभी आ रहे हैं हम। सर ये वारदात हुई है, उसके बाद में सर 10 मिनट तक, 10 मिनट बाद में कम से कम 50 से 60 लड़के आए हैं, जिन पर तमंचे भी थे, पिस्टलें भी थी सर, डंडे भी थे सर। उन्होंने ये दुर्दशा करी है सर, मेरे एक भाई की गोली भी लगी। जहां एक तरफ सरकार की ओर से गौवंश की रखवाली को लेकर उनके खाने पीने का इंतजाम गौशालाओं में किया गया है, वहीं दूसरी तरफ औरैया में किसान खुद ही अपनी फसल बचाने के लिए खेत की रखवाली करने को मजबूर हैं। काम होते ही अपने खेतों की रखवाली के लिए निकल पड़ते हैं और रात भर खेत की रखवाली करते हैं। मामला बेला क्षेत्र का है। किसानों का आरोप है कि अगर जरा सी चूक हो जाए तो जानवर उनकी फसलों को चट कर जाते हैं। इसमें आप जो है जानवर निकाल रहे थे, क्या है, किस तरीके से आपको परेशानी का सामना करना? परेशानी तो गाय देखो गाय कितनी है, कम से कम 100-150 गाय है। फिर कैसे आप इन्हें इनकी रखवाली करते, कैसे इसे बचा करते क्या? पूरी रात दिन मतलब उसे रहते हैं, बराबर ऐसे ही रखते हैं, बराबर गौशालाओं में नहीं रखे जा रहे हैं? गौशाला है ही नहीं, कहीं कोई सुविधा नहीं, अगर हो तो कहीं गौशाला में किया जाए। मुरादाबाद के गलशई थाने में जिगर कॉलोनी के दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि दंपति ने अपने फर्म के नाम पर व्यापार करने के लिए बैंक से 2,38,00,000 रुपए का लोन लिया, लेकिन इस रकम से व्यापार नहीं किया बल्कि अन्य फर्मों के खातों में रकम ट्रांसफर कर दी। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने कहा कि बैंक ऑफ रीजनल मैनेजर की तरफ से एक तहरीर दी गई थी जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ब्रांच में 2 व्यक्तियों को एक्सपोर्ट के नाम पर लोन दिया गया, जिस लोन को उन लोगों ने दूसरे किसी काम में उपयोग कर लिया जो कि लीगल नहीं था, जिसके कारण गलशई थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना थाना प्रभारी को ग्रहण करने और उसको सही लॉजिक पर लाने के लिए निर्देशित किया गया है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर के द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ब्रांच ने 2 व्यक्तियों को एक्सपोर्ट के नाम पर लोन दिया था, जिस लोन को उन लोगों ने दूसरे किसी काम में उपयोग कर दिया है जो कि लीगल नहीं था, और अब उसकी जो है पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये तहरीर दी गई थी। उस तहरीर के आधार पर थाना गलशहीद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विवेचना थाना प्रभारी को ग्रहण करने और उसको कंक्लूजन पर ले जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाली इंडिया के साथ।